हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश में कोने कोने में बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का अपना ही महत्व है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ पार्वती के पवित्र पांव गिरे थे। चिंतपूर्णी जाने के लिए होशियारपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला, शिमला और बहुत से अन्य स्थानों से सीधे बसें यहाँ पहुँचती हैं। यहाँ वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगती है। चिंतपूर्णी में बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं जो बस अड्डे के पास स्थित हैं, और कुछ मंदिर भी निकट ही स्थित हैं। यहाँ निकटतम महानगर चंडीगढ़ है, जो कि राज्यों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग व वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ तक पहुँचने के बाद सड़क मार्ग द्वारा चिंतपूर्णी तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। चिंतपूर्णी तक जाने के लिए हवाई अड्डे चंडीगढ़ और अमृतसर हैं, और यहाँ कांगड़ा में भी एक हवाई अड्डा है। यहाँ से आप सड़क मार्ग तक चिंतपूर्णी तक आसानी से जा सकते हो। आप यहां बाय ट्रेन भी आ सकते हो। यहां आने का सबसे नेड़े वाला रेलवे स्टेशन अंब है। चंडीगढ़ सभी राज्यों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली से चंडीगढ़ तक के लिए काफ़ी सारी ट्रेन सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली से ऊना के लिए भी एक ट्रेन चलती है। चिंतपूर्णी तक जाने के लिए काफ़ी सारे मार्ग हैं। यदि आप दिल्ली से चिंतपूर्णी आते हो तो आपको दिल्ली से चंडीगढ़, रोपड़, नंगल, ऊना, मुबारकपुर, भरवाई होते हुए चिंतपूर्णी आना होगा। आप सड़क मार्ग तय करके 5 घंटे में चंडीगढ़ से चिंतपूर्णी पहुंच सकते हो। हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा भी यहाँ बस सुविधा मुहैया करवाई गई है। जलंधर से भी यहाँ तक आने के लिए सीधा रास्ता है। दिल्ली से चिंतपूर्णी की दूरी 408 किलोमीटर की है। चंडीगढ़ से चिंतपूर्णी की दूरी 175 किलोमीटर की है। चंडीगढ़ चिंतपूर्णी के लिए बस सर्विस डे नाइट की है। बसेस का रूट चंडीगढ़ से चिंतपूर्णी वाया आनंदपुर साहब, नंगल, ऊना और अंब है। आप इसी रास्ते से ही चिंतपूर्णी माता तक पहुंच सकते हो। पौराणिक परंपराओं के अनुसार शिवजी छिन्नमस्तिका देवी की रक्षा चारों दिशाओं से करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में पंडित माईदास, एक ब्राह्मण जिसने छपरा गांव में माता चिंतपूर्णी के इस मंदिर की स्थापना की थी, समय के साथ साथ इस स्थान का नाम चिंतपूर्णी पड़ गया। उनके वंश आज भी चिंतपूर्णी में रहते हैं और चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा की अर्चना आदि का आयोजन करते हैं। ये वंश इस मंदिर के आधिकारिक पुजारी हैं। गर्मी के समय मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक है, और सर्दियों में सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। दोपहर 12 बजे से 12:30 तक भोग लगाया जाता है, और 7:30 से 8:30 तक आरती होती है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु माता के लिए भोग के रूप में सूजी का हलवा, लड्डू, बर्फी, खीर, पतासा, नारियल आदि लाते हैं। कुछ श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर इस ध्वज और लाल चुनरी माता को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। चढ़ाई के रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ से ही श्रद्धालु माता को चढ़ाने का सामान खरीदते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही सीधे हाथ आपको एक पत्थर दिखाई देगा। यह पत्थर माईदास का है। यही वह स्थान है जहाँ पर माता ने भक्त माईदास को दर्शन दिए थे। भवन के माध्यम से माता की गोल आकार की पिंडी है, जिसके दर्शन भक्त कतारबद्ध होकर करते हैं। श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते हैं। माता के भक्त मंदिर के अंदर निरंतर भजन करते रहते हैं। इस भजन को सुनकर मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को आनंद प्राप्ति होती है। मंदिर के साथ में ही एक वट वृक्ष है, जहाँ पर श्रद्धालु कच्ची मौली अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांधते हैं। आगे पश्चिम की ओर बढ़ने पर बड़ का वृक्ष है, जिसके अंदर भैरव और गणेश के दर्शन होते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस मुख्य द्वार का प्रयोग नवरात्रि के समय किया जाता है।
यदि मौसम साफ हो तो आपको यहाँ से धौलाधार पर्वत की पहाड़ियाँ भी दिखती हैं। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते वक्त उत्तर दिशा में पानी का तालाब है। पंडित माईदास की समाधि भी तालाब के पश्चिम दिशा की ओर है। विशेष पर्व जैसे नवरात्रि, सावन मास, संक्रांति, पूर्णिमा, अष्टमी में यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस कारण इस समय यात्रियों को रहने के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। पर इसके अलावा यहाँ रहने के लिए काफी संख्या में होटल और धर्मशालाएं हैं, जो कि यात्रियों की प्रत्येक समस्या का समाधान है। चिंतपूर्णी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल टूरिज्म विभाग का यात्री निवास है, जिसके अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस स्टैंड से चिंतपूर्णी माता मंदिर जाते वक्त ही यहाँ काफी सारे होटल हैं। यहाँ आपको कार पार्किंग के साथ भी होटल मिल सकता है। यहाँ होटल आपको 1,000 से 1,500 तक का मिल जाएगा। और कार पार्क करने के लिए यहाँ बहुत बड़ी पार्किंग भी बनाई गई है। यहाँ का मौसम भी हमेशा सुहावना रहता है। यहाँ फरवरी में मध्यम से अप्रैल तक मौसम सुहावना रहता है, तथा अप्रैल के मध्य में ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। गर्मियों के समय में दिन का मौसम काफी गर्म होता है, रात्रि में समय का मौसम हल्का ठंडा होता है। जून से सितंबर तक यहाँ पर बारिश होती है। अक्टूबर से नवंबर के समय दिन तो गर्म रहता है, जबकि सुबह और रात ठंडी होती है। दिसंबर से जनवरी के महीने में यहाँ काफी ठंड होती है, और यहाँ का तापमान कभी कभी -5 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। चिंतपूर्णी जाने का उपयुक्त समय फरवरी से अप्रैल तक का है। इन दिनों यहाँ मौसम सुहावना रहता है। यह स्थान हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। हिमाचल की ज्वाला देवी, विंध्याचल की विद्यावासिनी और सहारनपुर की शकंभरी देवी की भांति यहाँ एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर माता सती के चरण गिरे थे। इस स्थान पर प्रकृति का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। यात्रा मार्ग से काफी सारे मनमोहक दृश्य यात्री का मन मोह लेते हैं और उन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों की यात्रा में चिंतपूर्णी का 5वां दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवियों की यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ बृजेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी, माँ शकंभरी देवी, सहारनपुर आदि शामिल हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।